हिमाचल पर्यटन का खजाना है। ये देश भूमि व वीरों की भूमि है। प्रदेश में भारी संख्या में सैनिक हैं तथा यहाँ कई पर्यटक स्थल हैं। ये बात भारतीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने मंगलवार को धर्मशाला में एनसीसी कैंट में एक कार्यक्रम के दौरान कही। भट्ट ने कहा कि इससे पहले हम डलहौजी में गए, जो एक पर्यटन स्थल होने के साथ उसका अपना ही एक अलग इतिहास है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पर्यटकों से भी चर्चा की गई। कोरोना काल में पर्यटन को काफी झटका लगा, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को नीचे नहीं आने दिया। इंटरनेशनल स्तर पर तो पर्यटन कम हुआ, परंतु देखो अपना देश कार्यक्रम से पर्यटन मजबूत हुआ। देश में ऐसे कई स्थान हैं जो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव तो आते जाते हैं, चुनाव प्रजातंत्र का एक सिद्धांत है, चुनाव कामों के आधार पर होता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर पर्यटन का खजाना है, ये देवभूमि है, आपने देखा ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर हमारे बड़ी संख्या में सैनिक हैं और एक से एक बढ़कर यहाँ टूरिस्ट प्लेसेज हैं। हम डलहौजी में गए, देखने लायक है और वो पर्यटन स्थल भी है और आर्मी के बारे में उसकी एक हिस्ट्री है कैसे डलहौजी बना। उसके बाद कल हम दूसरे स्थान पर गए थे, आज हम यहाँ पर जितना भी यहाँ पर आर्मी है वहाँ और एनसीसी और पर्यटक जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी मैंने इंटरेक्शन किया। कई जगह बैजनाथ भी देखा और जो अभी मंत्रियों का यहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा है, एक समिट हो रही है, सारे टूरिज्म के मिनिस्टर्स ऑल इंडिया के वो आज यहाँ पर सब धर्मशाला में हैं, उनके बीच में भी गए। तो इस तरह से कैसे देश और आगे बढ़े पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य चीज़ों में तो काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि कोरोना ने पर्यटन को थोड़ा सा पीछे धकेला है। उसमें भी हमने अवसर देखा, माननीय मोदी जी ने अवसर तलाशा और हमने अपने पर्यटन को नीचे नहीं आने दिया। इंटरनेशनल लेवल पर तो कम हुआ सारे ही लोगों का, लेकिन देखो अपना देश जो हमने चलाया, लोगों को अपने देश की जानकारी नहीं है, वो इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड और अन्य जगहों की बातें जरूर लाते हैं, जापान, स्विट्जरलैंड ये बातें लाएंगे, लेकिन ये स्विट्जरलैंड से कम है क्या? हमारा J&K है, हमारा हिमाचल है, हमारा उत्तराखंड है, हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये भरा है, हरा भरा है और खजाना है यहाँ पर। अब देखिए कई लोगों को पता नहीं है माता पार्वती जी ने जहाँ विवाह किया था भगवान शंकर से, वो जगह उत्तर भारत में है, वो भी हमारे उत्तराखंड में है, किसी को पता नहीं है। वहाँ अग्नि आज तक प्रज्वलित हो रही है, उसके फेरे लगाते हैं लोग और अब तो गांव वाले जो हमारे वहीं के लोग हैं वो लोग सेवा कार्य भी करने लगे हैं जिनकी शादियाँ होती हैं। वैसे ही हमारे हिमाचल में ऐसे हिडन प्लेसेज हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, ऐसे प्लेसेज को हमको उभार के लाना है, दुनिया के सामने रखना है। वैसे ही केरल से लेकर हम यहाँ तक J&K तक देखें, एक से एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों को विस्मय में डाल देती है, क्या ऐसा होता होगा? यहाँ पर माता जी के कितने शक्तिपीठ हैं, ज्वाला देवी माता अपने आप में एक आश्चर्य है, कैसे हर समय ज्वाला जलते रहती है। तो ये सारी चीज़ों को आगे हम ला रहे हैं। नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं, चुनाव तो आते हैं जाते हैं, आएंगे जाएंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि 5 साल के बाद चुनाव आते हैं। हम तो हिमाचल में पहले से भी आते रहे हैं, चुनाव में भी आते हैं, वैसे भी आते रहते हैं, एक दूसरी जगह जाते हैं, कई जगहों का पता लगता है कैसी जगह है क्या है। और चुनाव तो जो होगा वो तो कामों के आधार पर होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के संगठन के लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली क्योंकि मैं भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ सरकार के साथ ही। थोड़ा सा ये भी रहता है कि सरकार अच्छी कौन बनेगी, जिसके कार्यकर्ता अच्छे होंगे, जिसके कार्यकर्ता अच्छे हैं, काम करने वाले अच्छे लोग हैं, लोभी लालची नहीं हैं और समाज में अपना भला चाहने वाले नहीं हैं, हर एक को मिलाकर चलने वाले लोग हैं, वही आगे जाके दिशा निर्देशन देते हैं जब चुन के आते हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र का एक सिद्धांत है। अब देखिए माननीय मोदी जी आए, लोगों ने उनको कितना बदनाम करा, कितना डिमोरलाइज किया कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा,
मेहरी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री ही नहीं बने दोबारा बने, और तीन बार वो आपको पता है, पहली बार, दूसरी बार, इस बार तीसरी बार, वो जो रेटिंग है उस रेटिंग में, वर्ल्ड की रेटिंग है, पूरे विश्व की रेटिंग, उसमें नंबर एक पर रहे हैं। यह हम देश के लिए बहुत ही, हम सारे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो ये चीज़ें चलती हैं, जब होता है। आज देखिए, आर्मी हमारी चाक चौबंद है, सीमाएं हमारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूती से आगे आ रहे हैं। मैं अभी एनसीसी कैडेट से यही कह रहा था, आप देश के भविष्य हैं, आपका उठने का, बैठने का, नाश्ते का, लंच का, डिनर का, पढ़ाई का, व्यायाम का टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। अभी ये पायलट बनेंगे, इन्हीं में से हमारे एयरक्राफ्ट उनको सिखाएंगे, घुड़सवारी सिखाते हैं, हर चीज़ में हमारे कैडेट्स परफेक्ट होके आगे बाहर निकलते हैं। सी सर्टिफिकेट जिसने ले लिया उसका रिटर्न टेस्ट नहीं होता है, सीधे सीधे वो आर्मी में आ गया, ऑफिसर बन गया। हाँ बिल्कुल, हम स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे, उन्होंने अभी पंजाब में रखे हुए हैं मेरे अंदाज से, हमारे दो एयरक्राफ्ट हैं, वो बच्चों को सिखाएंगे। थोड़ा यहाँ पर एयर स्ट्रिप की प्रॉब्लम है, आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में दिक्कत आती है, तो अभी बात चल रही है ऊपर, जो जहाँ पर थोड़ी सी भी हमको स्थान मिलेगा एयर स्ट्रिप उसमें चलेगी, हमारे बच्चे पायलट बनेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला, ब्यूरो के रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।